गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर थर्ड में हैं। हमारे सारे कोर्सेज के लेक्चर नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM पे अवेलेबल हैं, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमने बेसिक मैथ्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना सीखा था, बहुत सारे उसमें डिफरेंट टेक्निक्स सीखे थे। आज हम लोग उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने कर नहीं पाया था उसको कंप्लीट करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग एक 2017 में पूछा गया था आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, उससे स्टार्ट करते हैं। 1/(x)(x-1) को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो हमने सीखा था कि लीनियर अगर फैक्टर हो तो उसे हम लोग कॉन्स्टेंट अपॉन लीनियर करके इक्वेट करते हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर हम इसमें देखते हैं 1 है, वहाँ क्या है न्यूमरेटर a(x-1)+b(x), ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ax-a+bx। x वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो a+b(x-a)। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे, वहाँ पे सिर्फ माइनस ए था कांस्टेंट, तो a की वैल्यू आ गई -1। इस साइड कुछ है नहीं तो हम लोग 0x लिख सकते हैं, यानी x का कोफिशियंट इस साइड क्या है, 0 है। और उस साइड x की कोफिशियंट क्या है, a+b है, a की वैल्यू -1 है, तो 0 = -1+b, दैट मीन्स b = 1। तो हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, -1/(x+b)(1)-1। ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछे जाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके सब्जेक्टिव में 4 मार्कर में पूछा जाता, और बेसिकली स्टेप्स तो यही है जो हमने इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल यूज किया है अभी लास्ट क्लास में देखा था। इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 1/(x²+2)²(x-1), ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमारा जो लीनियर फैक्टर है ये वाला, जिसका पावर 1 है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर फैक्टर बोलते हैं। उसके लिए तो हम लोग कॉन्स्टेंट अपॉन लीनियर करेंगे। बाकी जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए हम लोग एक लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में लिखते हैं, जिसकी एक पावर कम है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर 1 है, x²+2। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि ये रिपीटेड फैक्टर है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 बार ये आ रहा है, तो हमें एक बार और से और एक बार इसमें एक टर्म ऐड करना होगा, dx+c/(x²+2)²। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम होगा दोनों में, लेफ्ट एंड राइट, न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 1 = a(x²+2)²। यहाँ x-1 है, x²+2)² आएगा, प्लस bx+c टाइम्स सेकेंड वाले टर्म में, ये हमारा डिनोमिनेटर, बट एलसीएम तो ये है, तो जो फैक्टर बच गए उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या होगा, dx+e, x²+2)² ऑलरेडी है, ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग कोशिश करेंगे ओपन करने की, तो a×(x⁴)+(4x²+4)a+b² का फॉर्मूला हमने यूज किया। यहाँ पे हम लोग सेकेंड टर्म को उसी तरह से लिखेंगे, तो इस वाले टर्म को सेम छोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x³-x² इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से करेंगे तो x-1 आएगा, प्लस x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो dx²+ex-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -dx-e, ठीक है। अब हम लोग इसको और भी एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, a×(x⁴)+4
फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स क्यूब से इससे वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी एक्स क्यूब इंटू एक्स यानी बी एक्स रेज पावर फोर प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा सी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाला टर्म था यहाँ, ठीक है, केयरफुली करना है हमें, मिस्टेक्स ना हो, इसे हमें रीचेक करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू है ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, इसको कर लिया यहाँ, इसको करेंगे हम लोग यहाँ माइनस बी एक्स क्यूब और ये माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स, ठीक है, माइनस टू से करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस टू बी इंटू एक्स माइनस टू सी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, सी एक्स क्यूब है। इस वाले टर्म को तो एज इट इज़ हम लोग नोट डाउन करेंगे, मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, ई एक्स माइनस डी एक्स माइनस ई। अब हम लोग कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज पावर फोर एक्स रेज पावर थ्री एक्स रेज पावर टू एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग पॉलिनोमियल को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्स रेज पावर फोर का कोफिशियंट क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो ए है, फिर यहाँ बी है, बाकी एक्स रेज पावर फोर कहीं नहीं है, एक्स क्यूब को अगर कलेक्ट करेंगे तो इसमें तो नहीं है, इसमें सी है और भी क्या है, बी है, एक्स क्यूब का कोफिशियंट और कहीं हमें नहीं दिख रहा, ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर का टर्म देखेंगे, यहाँ पे एक है फोर इंटू ए फोर ए और एक स्क्वायर का टर्म, दो स्क्वायर का टर्म यहाँ माइनस सी प्लस टू बी और एक यहाँ टर्म है प्लस डी, ठीक है। सिमिलरली एक्स के कोफिशियंट को अगर ढूंढेंगे हम लोग तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, टू सी माइनस टू बी और एक दो टर्म यहाँ माइनस प्लस ई माइनस डी। इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, यहाँ से फोर ए आएगा और इस वाले से हम लोग माइनस टू सी लिखेंगे और एक ये माइनस सी टर्म आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या हो, कंपेयरिंग कोफिशियंट। अब हम देख रहे हैं कि एक्स रेज पावर फोर इधर है, इसके कोफिशियंट ए प्लस बी हैं, बट राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसे हम लोग जीरो एक्स रेज पावर फोर लिख सकते हैं, यानी जीरो के बराबर हो गया ये, इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल्स टू माइनस बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, एक दो तीन चार पाँच, ए से लेके ई तक सबकी वैल्यू निकाल लिए, एक इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरे इक्वेशन हम लोग क्यूब वाले टर्म को कंपेयर करते हैं, राइट हैंड साइड में सी माइनस बी है, लेफ्ट में उसी तरह कुछ नहीं है, तो जीरो लिख सकते हैं, तो सी इक्वल्स टू बी आ गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग थर्ड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्यूब वाले को हम लोग कंपेयर कर चुके हैं, स्क्वायर वाले कंपेयर करेंगे, यहाँ पे तो फिर भी जीरो है, इस वाले में क्या है, फोर ए माइनस सी प्लस टू बी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे कुछ तो है नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए के बदले माइनस बी अगर रखेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस फोर बी और सी के बदले बी रखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बी और ये टू बी ऑलरेडी और एक टर्म आएगा डी इक्वल्स टू जीरो। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाइव बी प्लस टू बी यानी माइनस थ्री बी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया। हमने यहाँ तक कर लिया, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, उधर तो अभी भी जीरो ही है, टू सी माइनस टू बी प्लस ई माइनस डी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सी के बदले बी रख सकते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ई और डी में रिलेशन आ गया इक्वल्स टू डी, ये इक्वेशन नंबर फोर हो गया। इसमें हम लोग क्या किए, फ्रॉम टू, टू से हम लोग यूज़ किए, सी और बी इक्वल है वैल्यू,
तो 2c-2 भी जीरो हो जाएगा, तो e इक्वल्स टू डी आ गया। एक और इक्वेशन हम लोग कॉन्स्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट इस साइड क्या है, 4a-2c-e, ये किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वन था कॉन्स्टेंट, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम लोग a के बदले क्या रख सकते हैं, -b -4b, और c के बदले क्या रख सकते हैं, b -b -2b हो गया, और e के बदले d रख सकते हैं, -d = 1 यहाँ से। तो ये बन गया 4b -6b बन गया, -d बन गया = 1, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया। 5 इक्वेशन, 5 वेरिएबल हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 5 को देखेंगे, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 से हम लोग क्या देख रहे हैं, -3b + d = 0 एक इक्वेशन है, और फिफ्थ से -6b - d = 1 है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9b हो जाएगा, -9b। ठीक है, तो इससे हम लोग b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/9 माइनस साइन के साथ। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या है, -b है, तो 1/9। c की वैल्यू क्या है, c = b है, तो -1/9। a b c d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, d = क्या आएगा, 3b, बी ए 3 × -3/9 यानी 1/3 माइनस के साइन के साथ। ई की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, ई की वैल्यू हम लोग यहाँ से e = d की वैल्यू हम लोग d की वैल्यू -1/3। तो इस तरह से हम लोग पांच वेरिएबल, पांचों की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग वहाँ पे a b c d e की वैल्यू अगर ये पुट कर दें तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, और इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज़ किया हमने बस। तो इसमें हम लोग 4 मार्कर में सॉल्व करके इसमें मार्क को ऑब्टेन कर सकते हैं एग्जाम में। कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करना होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करते हैं जो कि 2016 में आपको पूछा गया था, 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको देखें, x² + 2x + 4 / x - 1 × x - 2। इस वाले क्वेश्चन में क्या खासियत है कि जो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों की डिग्री देखेंगे तो हम लोग सेम है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का टर्म आएगा, x² का टर्म यहाँ भी है, हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसे करने का एक हम लोग तरीका देखेंगे जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, x² - x - 2x - 3x बन जाएगा, और -2 - 1 + 2। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर में हम लोग डिनोमिनेटर को क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग आसानी से डिवाइड कर सकें। इससे मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि x² - 3x + 2 अगर टर्म है हमारे पास, तो हम एक एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो डिनोमिनेटर में वो टर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ तो कुछ और दे रखा है, तो क्या है हमारे पास, -3x यहाँ, जबकि यहाँ +2x है। तो अगर इसमें हम लोग +5x कर दें तो
तो यही चीज़ बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस टू है बट यहाँ प्लस फोर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लस टू करना पड़ेगा। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये वाले टर्म को अगर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड होगा तो ये वन बनेगा और सिर्फ बचेगा अपने पास 5x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, जो कि हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो वन तो हम लोग उसको कांस्टेंट है उसे रहने देंगे, बाकी वाले टर्म को हम लोग सेपरेटली लिख लेते हैं, जिसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू तो इसी का मल्टीप्लाई होकर आया था, तो हमने फिर से इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, क्योंकि हमें पता है अगर लीनियर है तो हमें कांस्टेंट अपॉन लीनियर के फॉर्म में ब्रेक डाउन करना होता है। इसी तरह यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे, इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल यूज करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ax माइनस 2a प्लस bx माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b इंटू x, और यहाँ पे माइनस 2a माइनस b, और यहाँ क्या है 5x प्लस 2। x वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b इक्वल्स टू 5, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो माइनस 2a माइनस b इक्वल्स टू 2। अब इसे ऐड अगर हम करते हैं तो bb कैंसिल, माइनस 2a प्लस a क्या बनेगा, माइनस a इक्वल्स टू 7, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 7, और b की वैल्यू हम इनमें से किसी में पुट करके रख सकते। फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो a माइनस 7 इक्वल्स टू 5, b की वैल्यू माइनस 7, तो a इक्वल्स टू 12, और अगर हम इसको वहाँ पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर जो है मिल जाएगा, a की वैल्यू माइनस 7, a की वैल्यू हमारे पास माइनस 7 और b की वैल्यू हम लोग 12 निकाल के यहाँ पे कैलकुलेट किए, ठीक है। माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 12 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको फोर मार्कर्स में भी आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में भी, सॉरी वन मार्कर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया 1 प्लस ये वाला टर्म, जो होगा 1 प्लस माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू प्लस 12 अपॉन एक्स माइनस 2। ये प्लस 1 भी हमारे पास था, उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी आपके 2016 के क्वेश्चंस में पूछा गया था। कुछ स्टूडेंट्स ने भी बोला था कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाया, तो इसीलिए हमने आज ये लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, तो प्रैक्टिस के साथ हम लोग ख़त्म करेंगे। बाकी और भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे वेरिएशन हमने क्लास में कवर कर लिया, आप उनको अच्छे से करेंगे तो आपको कभी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी किए, ईजी वाले भी किए, कल भी हमने कई क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2018 का देखते हैं। 2018 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब तक तो आप समझ गए होंगे, ये तो ईजिली ब्रेक हो जाता है, हमें करना क्या होता है, लीनियर है तो ऊपर पे कॉन्स्टेंट प्लस बी टाइम एक्स माइनस 3 लिखते हैं और न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हैं बी टाइम्स एक्स माइनस 2। तो एक्स वाले जो टर्म है उसको अगर कलेक्ट करेंगे तो ए प्लस बी इंटू एक्स, और कांस्टेंट वाले टर्म माइनस 3 है माइनस 2 बी इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 ए प्लस बी हो गया, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वाले टर्म 1 के इक्वेट करेंगे तो माइनस 3 है माइनस 2 बी आएगा। ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हुआ कि ए जो है माइनस बी के बराबर है। ए की वैल्यू माइनस बी पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 बी माइनस 2 बी। ए की वैल्यू माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा, 3 बी माइनस 2 बी।
यानी कि b इक्वल्स टू 1 आ गया, और a इक्वल्स टू क्या है, माइनस बी है, यानी माइनस 1 हो गया। तो आंसर अपना आ गया माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, b की वैल्यू 1 है। ये आपके 2018 में 1 मार्कर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप देखेंगे कि सिमिलर पैटर्न पे ही आप लोगों को पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस कर लें तो एग्ज़ाम में आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स है आपको ये सीखनी है, इसी तरह से आपके इवन सेमेस्टर में वो था, ये ऑड सेमेस्टर में पूछा गया था 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। आप देखेंगे कि उनमें दोनों में माइनस माइनस था ये, और इसमें दोनों में प्लस प्लस, तो आप समझ रहे हैं कि ये लोग सिंपल क्वेश्चन को ही मैनिपुलेट करके पूछ रहे हैं। ये भी 2018 में ही पूछा गया है, तो सेम टेक्निक है, a टाइम्स x प्लस 3 प्लस b टाइम्स x प्लस 2, कंपेयरिंग कोफिशियंट करेंगे। पहले इसे हम लोग x के कोफिशियंट को कलेक्ट कर लेते हैं, 3a प्लस 2b, x तो इधर कोफिशियंट x की 0 है, इधर a प्लस b है, इसका मतलब a इक्वल्स टू माइनस b है, और कांस्टेंट वाले हैं 1 इन इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। अगर हम a को माइनस b पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3b प्लस 2b, इसका मतलब है कि माइनस b इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है b की वैल्यू माइनस 1, और a इक्वल्स टू माइनस बी है, तो यहाँ से b की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर हो गया अपना 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 से, आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर 1 मार्कर में ऑब्जेक्टिव में होता है, 4 मार्कर का देखते हैं, 4 मार्कर में क्या पूछा गया था। ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसे हम लोग ध्यान से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना, तो इसकी टेक्निक भी सीखेंगे हम लोग। ये भी 2018 में पूछा गया है, VVI क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं आप इसे, 6q प्लस 5x² माइनस 7 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको सबसे पहले समझना है कि ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, न्यूमरेटर के जो वेरिएबल की पावर है वो सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो डिनोमिनेटर के जो हाईएस्ट पावर है उससे ज़्यादा है। यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो न्यूमरेटर का ज़्यादा पावर है, इस कारण से इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अभी अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं कि एक टेक्निक से हम लोग इसे बना सकते हैं, पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जो इक्वल पावर वाला था उसमें भी हम लोगों ने बेसिकली यही किया था, डिवाइड करके वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे टर्म क्रिएट किए थे जो कि डिनोमिनेटर के बराबर हो गया था, बट यहाँ पे तो पावर ज़्यादा है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3x² माइनस 2x माइनस 1 को डिवाइड से डिवाइड कर रहे हैं, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, तो 2x फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³, और इससे माइनस 4x², और इससे माइनस 2x, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 9x² बन गया, और ये प्लस 2x तो यूँ आ जाएगा, और ये माइनस 7 भी आ जाएगा। फर्दर हम लोग एक बार कर सकते हैं इसको डिवाइड प्लस 3 से, 3 3 9x² और माइनस 6x माइनस 3, माइनस 6x माइनस 3, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 8x, और ये
माइनस फोर, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि किसी भी डिवीज़न में हम लोग क्या करते हैं, कोसेंट जो डिविडेंड है उसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो डिवाइज़र है और जो हमारा कोसेंट आया उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इनटू 2x प्लस 3 प्लस जो हमारा रिमाइंडर है। न्यूमरेटर को हमने क्या किया, इस तरह से लिखा। अब इससे अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसिल होके सिर्फ ये बचेगा, मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 प्लस इस वाले टर्म में डिवाइड, ये वाला टर्म डिवाइड होल में कर रहे थे तो हमें लेफ्ट हैंड मिल रहा है, राइट में ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये बचा और ये जो हमारा रिमाइंडर है इसमें भी ये वाले टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या है, 8x माइनस 4 अपॉन में क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो हम देख रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी ब्रेकड पार्शियल फ्रैक्शन, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की निकालनी है जो कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो 8x माइनस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। तो इसे हम लोग सबसे पहले जो डिनोमिनेटर उसे हम लोग लीनियर के टर्म में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या बन के आएगा, इसे हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसे हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, 3x स्क्वायर एक्स और ये माइनस 3x प्लस एक्स क्या बन गया माइनस 2x और ये माइनस 1। एक फिर से स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो यूज करेंगे, b टाइम्स x माइनस 1, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट न्यूमरेटर को, a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स 3x प्लस 1। x वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं तो a प्लस 3b, सॉरी कांस्टेंट वाले टर्म को लिखते हैं यहाँ से b, यहाँ से माइनस a, 8x माइनस 4, x वाले कोफिशिएंट क्या है 8, उधर a प्लस 3b और कांस्टेंट वाले टर्म क्या माइनस 4 इक्वल्स टू b माइनस a। इसे हम लोग ऐड करें अगर तो a से a कैंसिल, 3a प्लस 3b प्लस b क्या होगा 4b, ये 8 में से 4 गया 4, तो b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू इनमें से किसी इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे इसका अगर हम यूज़ करें तो a इक्वल्स टू क्या होगा b प्लस 4, b तो a इस साइड गया माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4, b 1 है तो मतलब 5 वैल्यू। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। जब कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो हम इस टेक्निक को यूज़ करके पहले उसे जो हमारे लीनियर फैक्टर या क्वाड्रेटिक फैक्टर जो भी होगा उसे सेपरेट कर लेंगे और जो रिमाइंडर वाला टर्म होगा उसका पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पे आएंगे जो कि आपका सबसे लेटेस्ट है और इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 8x माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हम लोगों ने जो 2018 का क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में ये एक पार्ट बन के आया था, बट यहाँ पे उन्होंने 2019 में डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो अभी अभी हम लोगों ने इसे ब्रेक डाउन किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को
लीनियर फैक्टर में लिखा था, ठीक है, 3x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया था a इंटू 3x प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। कंपेयर करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में आएगा x माइनस वन प्लस बी टाइम्स 3x प्लस वन। एक्स के कोफिशियंट को कम एक साथ हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो b माइनस ए, यहाँ से b और यहाँ से माइनस ए। एक्स के कोफिशियंट क्या है, एट इक्वल्स टू ए प्लस थ्री बी, और कांस्टेंट वाले टर्म क्या है, बी माइनस ए। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ए से ए कैंसिल, थ्री बी और एक बी फोर बी बन जाएगा और ये फोर बन गया। बी की वैल्यू वन और ए की वैल्यू इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको इधर लेगा इसको इधर, तो बी प्लस फोर, बी की वैल्यू वन, फाइव आ गए। पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा आंसर ये आएगा कि फाइव अपॉन थ्री एक्स प्लस वन और बी की वैल्यू वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये आपके फोर मार्कर में पूछा गया था। अब हम लोग 2019 के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखते हैं जो आपके चैप्टर वन से हैं, जो रिवीजन नाम से चैप्टर है, जनरली उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब 2019 में उन्होंने रिवीजन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे लॉग वाले क्वेश्चन, एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन वाले टॉपिक से। तो 2019 में उन्होंने सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पूछा था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो ये था कि फाइंड वन अपॉन फोर रेज पावर माइनस टू प्लस वन बाई टू रेज पावर माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने देखा था कि नेगेटिव पावर होता है तो वो रेसिप्रोकल में बन जाता है, जैसे एक्स रेज पावर माइनस ए है तो वो बन जाता है वन अपॉन एक्स रेज पावर ए। नेगेटिव का कहने का मतलब है कि वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, अगर एक्स रेज पावर माइनस वन है तो वो वन बाय एक्स होगा। उसको अगर हम यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन बाय फोर ऑलरेडी है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फोर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा प्लस टू रेज पावर टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फोर का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, आंसर आ गया 20, ठीक है। ये इन्होंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्वेश्चन दिया था, फिर लॉग की वैल्यू इन्होंने पूछी थी, लॉग का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 14 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 7 बेस 2, ठीक है। तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन में, लॉग ए माइनस लॉग बी अगर बेस सी हो तो क्या होता था हमारा, ये डिवीजन में चला जाता था ए बाय बी, उस पर इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ 14 डिवाइड बाय 7, बेस तो 2 रहेगा तो बन गया लॉग ऑफ 2 बेस 2। और एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो लॉग की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ 2 और 2 सेम है तो इसकी वैल्यू आ गई 1। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। एक और क्वेश्चन आपको लॉग पे जो पूछा गया था वो ये था कि ये फोर मार्कर में आपको पूछा गया था, टू लॉग ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये गिवन था आपको। तो फाइंड करना था, फाइंड ए बाय बी माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो हमने लॉग की जो प्रॉपर्टी देखी है उसी से ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए, हम लोग उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो सिंपल ये लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो लॉग ए इंटू बी हो जाता है,
मल्टीप्लाई में चला जाता अगर एडिशन हो तो, और अगर लॉग के कोफिशिएंट में कुछ टर्म हो तो वो कहाँ होता है, पावर में चला जाता है, यानी a प्लस बी बाय टू का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में बेस किसी लॉग में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ एज्यूम्ड है सबके बेस सेम होंगे, अगर सबके बेस सेम है तो हम लोग लॉग के सारे फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि लॉग के अंदर में यहाँ ए बी है और यहाँ ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर है, दोनों साइड लॉग है और इक्वालिटी भी है, अगर दो चीज़ इक्वल है लॉग के अंदर में तो, और बेस भी सेम सेम अगर है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब है कि ये ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं यहाँ तो ये क्या बनेगा, नीचे 4 ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए बी। कोई प्रॉब्लम? फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 4ab, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट होगा 2ab और 4ab तो बनेगा 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab माइनस 2 इक्वल्स टू 2ab। ए बी से अब हम लोग इसे थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। ए बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग देख सकते हैं अगर इसे ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ए बी से तो क्या होगा, ए स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल्स टू 2, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक ए नीचे बी प्लस सिमिलरली बी से बी एक कैंसिल होगा, ऊपर एक बी नीचे एक ए इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा आंसर निकल गया। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के चार प्रीवियस फोर ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।